हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्स की, रोज क्वार्ट्स एग्स। तो ये रोज क्वार्ट्स के जो दो एग्स आप देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप में वार्म्थ और पैशन लाने के लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये दो पिंक कलर का रोज क्वार्ट्स है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो आपकी लाइफ में अगर पैशन और लव मिसिंग है अपने, और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा हो गया है, और आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में सोते हैं, और आप चाहते हैं कि आप दोनों ऐसे ना हो के ऐसे हो जाएं, तो ये दो एग्स आपने लेने हैं रोज क्वार्ट्स के। इनको आपने आज या फुल मून वाले दिन इनको सेंधा नमक के पानी में भिगो के रखना है, ताकि इनकी एनर्जीज क्लीन हो जाएं। तो आपका जो पार्टनर है, आप अपने ये वाला मेल एनर्जी का द्योतक है जो बड़े वाला है, और जो छोटे वाला है वो फेमिनिन एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो अपने बेड साइड पर दोनों तरफ ये आप अपने हस्बैंड की तरफ रखेंगे, मेल पार्टनर की तरफ रखेंगे, और ये आप रखेंगे अपनी फीमेल पार्टनर की तरफ। तो ये आपने रखना है, और रखने से पहले आपने इनके ऊपर अपना एफर्मेशंस डालना है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग बहुत ही लविंग और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हैं, हम लोग एक दूसरे से लव कर रहे हैं, कमिटेड हैं। और अगर बाय चांस किसी पार्टनर ने कोई बेवफाई भी करी है, तो रोज क्वार्ट्स के एग्स से वो जो है आपका जो पार्टनर है वो जो है छोड़ देगा दूसरा। अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आ रहा है, तो आपका हस्बैंड जो है या आपका बिलवर जो है वो उसको छोड़ के आपके पास आ जाएगा। और बहुत सारी लेडीज़ को शिकायत रहती है कि मदर इन लॉ की बहुत सुनता है और आपकी नहीं सुनता, तो उससे भी आपके रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ेगा। आप देखोगे कि आपके हस्बैंड आपकी मदर इन लॉ की जगह आपकी सुनने लगे हैं, क्योंकि लेडीज़ को अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है शादी के बाद कि हस्बैंड आपकी कम सुनता है, अपनी मदर इन लॉ की या अपनी मदर की या अपनी सिस्टर की ज़्यादा सुनता है, और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। तो बाहर जो फैमिली के लोग हैं वो उसके दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। तो उसके दिमाग को बहुत ही पॉजिटिव रखना, उसके दिमाग को लविंग रखना, आपके प्रति पॉजिटिव रखना, उसके लिए आपके काम ये दो जो हैं एग्स जो हैं ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ये एग्स काम करेंगे फर्टिलिटी इश्यूज़ में भी, जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, तो उन लोगों को भी ये रोज़ क्वार्ट्स के एग्स रखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो, एग फर्टिलिटी या एग ही प्रोड्यूस करता है, एग और स्पर्म मिलके बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो एग जो है वो एक फेमिनिन फर्टिलिटी को एनहांस करेगा, उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा, और अगर किसी को कोई फर्टिलिटी इशू है उसको हटाएगा। उस केस में भी आपने मेल एनर्जी वाला एग और फीमेल एनर्जी वाला एग, तो ये मेल के पास ये फीमेल के पास, ताकि आप दोनों को जो है अपनी पैशनेट ज़िंदगी रहे और कंसीव आप लोग कर पाएँ। तो आई होप ये वीडियो से आपको लाभ होगा, और आप लोगों की जो लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर से। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, बट आपके किसी फैमिली मेंबर को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, फ्रेंड्स को ज़रूरत हो, तो आप ये इन्फॉर्मेशन उनके काम आ जाएगी। तो इसको शेयर करना ना भूलें, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा रहा, डिड यू एंजॉय दिस वीडियो और नॉट, तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरे साथ कोई भी आपको समस्या हो, तो मेरे को कॉल कर सकते हैं रिलेशनशिप हीलिंग के लिए 9811422249। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सायोनारा।